बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंजीनियर गौहर सरफराज है और मैं पार्क सोलर को रिप्रेजेंट करता हूँ। आज जो हमारा डिस्कशन है हमारी जिस टॉपिक पे, वो है हमारी क्वालिटी ऑफ सोलर पैनल्स। हमारी मार्केट में क्वालिटी डिफरेंट टाइप्स के सोलर पैनल्स अवेलेबल होते हैं, लाइक ए ग्रेड टीयर वन सोलर पैनल्स होते हैं, लॉट वाले स्टॉक वाले बी ग्रेड सोलर पैनल्स होते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें हमारे रूरल एरियाज़ की, तो इधर बहुत से लोगों को ए ग्रेड करके बी ग्रेड और लॉट वाले पैनल्स बेचे जाते हैं, जो कि बहुत बड़ा धोखा है हमारे क्लाइंट्स के साथ। अब उसमें क्या होता है कि नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट का होता है। क्लाइंट चंद पैसों की वजह से अपना फ़ायदा देख रहा होता है, लेकिन उसको कुछ साल के बाद वो पैनल्स उसके बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। लाइक वो 4 से 5 साल 6 साल के बाद वो अपने एम्पेयर्स एंड वोल्टेजेस बिल्कुल डाउन कर देते हैं, अपने पावर पैरामीटर्स अपनी आउटपुट बिल्कुल छोड़ देते हैं। उससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान क्लाइंट का होता है, जो कंज्यूमर होता है जिसने इतना इन्वेस्ट किया होता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें ए ग्रेड टीयर वन सोलर पैनल्स की, तो वो बकायदा QC पास होते हैं, उनकी 10 ईयर टू 25 ईयर्स और 12 ईयर टू 30 ईयर्स उनकी एफिशिएंसी वारंटीज़ होती हैं, जिनमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज़ हैं, लाइक कैनेडियन है, जिनको है, लॉन्जी है, ट्रीना है, जे ये टॉप के ए ग्रेड टीयर वन पैनल्स ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, वो इस टाइम मार्केट में अवेलेबल हैं। 540 वाट्स में अवेलेबल हैं, 590 वाट्स में, 600 प्लस वाट्स में भी अवेलेबिलिटी है। तो इनकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर वर्क करें, आप रिसर्च करें, आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, आप उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करें कि आपको किस क्वालिटी, कौन सा वेंडर जो है आपको अच्छी क्वालिटी दे रहा है, और उसको क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं कि आया कि ये ए ग्रेड है भी सही कि नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरी बहुत पसंद आई होगी और आप आगे भी हमारी वीडियोज़ को मज़ीद लाइक करेंगे।